नमस्कार फ्रेंड्स आज हम आप सबको साइड तोड़न बनाना बताएंगे और हमने इसको गेंदे के फूल से और गुलाब के फूल से बनाया है जो देख सकते हैं फ्रेंड्स बहुत ही खूबसूरत साइड तोड़न है और गेंदे का फूल हमने न्यू डिजाइन में बनाया है और जो गुलाब का फूल है वो भी एकदम न्यू डिजाइन है आप इसको ट्राई कीजिएगा बहुत ही जल्दी ये बनता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो उंगली में इस तरह से धागा लपेटेंगे ये मैजिक रिंग है फ्रेंड्स इस तरह से मैजिक रिंग बनता है और ऊन जो हमने लिया है थ्री फ्लाई का है और क्रोशिया की साइज थ्री एम एम है और यहाँ पे पहले हम चैन बनाएंगे ये देखिए एक चैन दो चैन तीन इसी तरह से इसमें हम आठ चैन बनाएंगे तो आठ चैन यहाँ पे हमने बना लिया है अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स जो फर्स्ट चैन है इसमें हम बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया इसके नेक्स्ट वाले फंदे में बनाएंगे डबल क्रोशिया देखिए यहाँ पे एक डबल क्रोशिया हमने बनाया नेक्स्ट वाले फंदे में दो डबल क्रोशिया और यहाँ पे देखिए तीन डबल क्रोशिया एक एक फंदे में बनाना है एक एक डबल क्रोशिया तो पांच डबल क्रोशिया हम पांच फंदे में तैयार करेंगे पांच डबल क्रोशिया यहाँ पे बन गया है अब इसके आगे देखिए लास्ट वाला जो फंदा है उसमें बनाएंगे सिंगल क्रोशिया ये देखिए एक सिंगल क्रोशिया हो गया और मैजिक रिंग के अंदर बनाएंगे स्लिप स्टिच और एक चेन बनाएंगे इस तरह से अब इसके आगे हमें उल्टा करके बनाना है फ्रेंड्स इस तरह से देखिए सिंगल क्रोशिया फंदे में से हमने धागे को निकाला है इन दोनों फंदों को बंद करेंगे फिर ये देखिए नेक्स्ट वाले फंदे में हमने क्रोशिया को डाल के धागा इसे निकाल लेना है फिर इन दोनों फंदों को बंद करना है ये उल्टा सिंगल क्रोशिया बन रहा है फ्रेंड्स ये बाडर जैसा बनेगा तो इसी तरह से लास्ट तक हमें बनाना है तो फ्रेंड्स ये देखिए यहां पे ये लाइन तैयार हो गया है इसके आगे एक चेन बनाएंगे और यहां से देखिए पीछे की तरफ से हमें फंदे में क्रोशिया को डालना है दूसरे वाले फंदे में से धागा निकालते हुए बाहर की तरफ करेंगे इस तरह से और बनाएंगे सिंगल क्रोशिया इसके बाद हम बनाएंगे फिर डबल क्रोशिया। उसी तरह से मैं क्रोशिया को डाल के फंदे में से धागा निकालते हुए यहाँ पे डबल क्रोशिया तैयार करना है तो एक डबल क्रोशिया हमने बनाया उसी तरह से फिर हम धागे को निकाल के ये देखिए दो डबल क्रोशिया तो यहाँ पे पांच डबल क्रोशिया तैयार करना है तो तो फ्रेंड्स ये देखिए पाँच डबल क्रोशिया इसमें हमने बनाया है इसके बाद जो लास्ट वाला देखिए फंदा रहेगा उसमें हम बनाएंगे सिंगल क्रोशिया ये देखिए सिंगल क्रोशिया बन गया अब मजिक रिंग के अंदर स्लिप स्टिच करेंगे और एक चेन बनाएंगे और इसके आगे बनाएंगे सिंगल क्रोशिया ये देखिए फंदे में डालेंगे क्रोशिया को और धागा यहाँ से निकाल लेना है दोनों फंदों को बंद कर देंगे फिर नेक्स्ट वाले फंदे में क्रोशिया को डालेंगे धागा निकालते हुए इसको बंद करना है तो इस तरह से बनेगा तो फ्रेंड्स ये देखिए इसको बनाते हुए लास्ट तक हम बना ले रहे हैं सिंपल सी डिज़ाइन है बस आप वीडियो को देखिए आपको समझ में आएगा तो यहाँ पे देखिए लाइन हमने बना लिया है इसके आगे हम एक चेन बनाएंगे और फिर देखिए इस तरह से पहले हम बनाएंगे सिंगल क्रोशिया और उसके बाद हमें बनाना है डबल क्रोशिया तो यहाँ पे हम पांच डबल क्रोशिया तैयार करेंगे तो फ्रेंड्स ये देखिए पांच डबल क्रोशिया बन गया इसके बाद हम लास्ट का बनाएंगे सिंगल क्रोशिया और उसके आगे स्लिप स्टिच करके एक चेन बनाना है फ्रेंड्स तो इसी तरह से लाइन आपको बनाते हुए जाना है और यहाँ अब हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे तो तीन लाइन हमने आपको बना के दिखाया है फ्रेंड्स इसी तरह से इस लाइन को और बनाना है तो आगे हम इसको बना ले रहे हैं तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे एक लाइन दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह और ये देखिए बारह तो बारह लाइन हमें तैयार कर लेना है अब सबसे पहले तो मैजिक रिंग को हम बंद कर देंगे इसका जो धागा है इसको हमें खींच लेना है तो मैजिक रिंग ये बंद हो जाएगा और धागे में नोट लगा लेंगे ताकि मैजिक रिंग का जो धागा है वो ना खुले नहीं तो मैजिक रिंग हमारा खुल जाएगा अगर नहीं नोट लगाएंगे तो नोट लगाना जरूरी होता है अब इसको हम सीधा कर लेंगे इस तरह से देखिए सीधा हो गया है अब इसको हम लॉक करेंगे दोनों का जो किनारा है दोनों को लेके लॉक करना है तो देखिए फंदे में हमने क्रोशिया को डाला है और यहाँ पे जो दूसरा देखिए इसका किनारा है यहाँ पर भी हम फंदे में क्रोशिया को डालेंगे इसके फंदे में से देखिए धागा यहाँ पे निकाल लेना है और इन फंदों को बंद कर देना है और नेक्स्ट वाले फंदे में क्रोशिया को डालेंगे फिर देखिए फ्रेंड्स ये जो दूसरा किनारा है इसके फंदे में से भी क्रोशिया को डालना है और यहाँ से धागा निकालते हुए फिर दोनों फंदों को बंद करना है तो इसी तरह से एक एक फंदे में एक एक धागा निकाल के सिंगल क्रोशिया बनाएंगे लास्ट तक इसको हम बंद कर लेंगे तो यहाँ पे लास्ट तक हमने इसको बना लिया है इसका जोड़ आपको पता नहीं चलेगा फ्रेंड्स ये देखिए इस तरह से बनेगा इसको दिखा दे रहे हैं देखिए अंदर की तरफ इस तरह से रहेगा और इसके आगे बनाएंगे सिंगल क्रोशिया, तो एक लाइन के अंदर देखिए एक सिंगल क्रोशिया तैयार करना है एक बन गया फिर ये देखिए दूसरी लाइन है इसके फंदे में बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया और ये देखिए तीसरी लाइन इसके फंदे में बनाएंगे सिंगल क्रोशिया एक एक लाइन में एक एक सिंगल क्रोशिया तैयार करना है तो इसी तरह से हम बना ले रहे हैं लास्ट तक तो फ्रेंड्स ये देखिए जहाँ से ने स्टार्टिंग किया था वहाँ पहुँच गए हैं तो इसको लॉक कर दे रहे हैं इस तरह से लॉक हो गया फिर यहाँ पे बनाएंगे चार चेन चार चेन बनाने के बाद फ्रेंड्स ये देखिए एक दो फंदा स्किप करके तीसरे वाले फंदे में यहाँ पे स्लिप स्टिच करेंगे और फिर इसके आगे चार चेन बनाएंगे फिर देखिए यहाँ पे एक दो फंदा स्किप करके तीसरे वाले में स्लिप स्टिच करना है फिर यहाँ पे बनाएंगे चार चेन और दो फंदा स्किप करके तीसरे वाले में लॉक करेंगे और इसके आगे बनाएंगे चार चेन तो यहाँ पे देखिए दो फंदा हमने स्किप कर दिया है तीसरे वाले में इसको लॉक कर देंगे लॉक करने के बाद यहाँ पे धागे को कट कर देना है तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से लाइन तैयार होगा तो इसमें चार लाइन तैयार हो गया है अब इसके आगे हम पत्ती बनाएंगे तो ये देखिए जो चैन हमने बनाया है इसी में हम पत्ती को तैयार करेंगे तो मैं यहाँ पे नोट लगा के धागे को इसके अंदर से निकाल ले रही हूँ और इसके आगे बनाएंगे बंद करते हुए एक चैन तैयार कर लेंगे ये देखिए चैन बन गया है इसके आगे बनाएंगे इसके अंदर तीन डबल क्रोशिया तीन डबल क्रोशिया बन गया है इसके आगे तीन चेन बनाएंगे तीन चेन बनाने के बाद देखिए नीचे वाले फंदे में स्लिप स्टिच लगानी है एक और फिर इसके आगे हम बनाएंगे तीन डबल क्रोशिया तीन डबल क्रोशिया देखिए फ्रेंड्स बन गया इसके आगे एक चेन करके इसी के फंदे में लाके इसको लॉक कर देंगे ये देखिए एक पत्ती तैयार हो गया फिर इसके आगे वाले फंदे में यहाँ पे हम बनाएंगे एक चैन चैन बनाने के बाद फिर हमें तीन डबल क्रोशिया तैयार करना है और इसके आगे तीन चैन बनाएंगे फिर यहाँ पे एक स्लिप स्टिच और इसके आगे तीन डबल क्रोशिया और एक चेन करके इसको लॉक कर देंगे तो इसी के फंदे में यहाँ पे लॉक कर देना है ये देखिए फ्रेंड्स दो पत्ती हमने आपको बना के दिखाया इसी तरह से दो और बना लेंगे इसके अंदर तो पत्ती यहाँ पे तैयार हो गया है और इस तरह से हाथों से हम थोड़ा सा दबाएंगे ताकि थोड़ा फैल जाए तो फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पे हमारा गेंदे का फूल तैयार हो गया है इसी तरह से सारे गेंदे का फूल तैयार कर लेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने सारे गेंदे के फूल तैयार कर लिए हैं और हमने इसको चार कलर में तैयार किया है आप अपने हिसाब से कलर ले सकते हैं अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स सुई धागे की मदद से हम इसको जोड़ेंगे और आप चाहें तो फ्रेंड्स पत्ती बनाते समय इस यहाँ पे जोड़ सकते हैं उस तरह से भी आप जोड़ सकते हैं और सुई धागे की मदद से भी आप यहाँ पे जोड़ सकते हैं तो मैं सुई धागे की मदद से ही यहाँ पे जोड़ के दिखा रही हूँ तो दोनों पत्ती को इस तरह से हम ज्वाइंट कर लेंगे दो तीन बार यहाँ पे नोट लगा लेंगे ताकि ये जो है कि खुले ना और अच्छे से लॉक हो जाए और यहाँ पे हम गांठ लगा के धागे को कट कर देंगे तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमने दोनों फूल को ज्वाइंट कर लिया है इसी तरह से हमें सुई धागे की मदद से इसके आगे फूल को जॉइंट कर लेना है ये देखिए इस तरह से हम ज्वाइंट कर लेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हमने ये सारे फूल को यहाँ पे जोड़ लिया है तो हमने इसमें पांच गेंदे के फूल लिए हैं आप इसकी लंबाई जितना रखना चाहिए आप अपने हिसाब से रख सकते हैं अब इसके आगे हम इसकी लटकन लगाएंगे तो लटकन देखिए फ्रेंड्स हमने गुलाब का फूल इसके नीचे लगाया है इसका वीडियो हमने डाला है आपने नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा आपको आप इसका वीडियो वहाँ से देख सकते हैं और इसको भी सुई धागे की मदद से हम इसमें ज्वाइंट कर लेंगे तो इसमें देखिए हमने मोती लगाया है तो मोती आप अपने हिसाब से ले सकते हैं जितना इसका बड़ा लटकन बनाना चाहें तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे हमारा साइड तोड़न बनके तैयार हो गया है जो बहुत ही खूबसूरत है ये देखिए इस तरह से हम लटका के भी दिखा दे रहे हैं तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमने दो साइड तोड़ंत तैयार कर लिया है और बहुत ही खूबसूरत है फ्रेंड्स आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा और अच्छा लगे तो दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा डिजाइन कैसा है और डिजाइन पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अपना कीमती समय देने के लिए फ्रेंड्स आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद फिर मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक यू